गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शुभका सुस्मिता प्रधान। मैं आज स्टैंडर्ड 2 के हिंदी ग्रामर जो पढ़े थे, हम शब्द पढ़े थे, चैप्टर 2 के शब्द मैं पढ़ा दी थी। शब्द हम किसको कहते हैं वे हम देख चुके थे। तो हम मेरी पढ़ाई थी क्या कि शब्द के शुद्ध रूप अशुद्ध रूप। मैं कुछ होमवर्क भी दी थी, देन कौन सा वर्ड जो शुद्ध होगा, जैसे कि मैं लिखी थी परीक्षा, परीक्षा में छोटी र में लगी थी उसमें, लेकिन उसके शुद्ध रूप होगा र में बड़ी ये होगा, परीक्षा होगा। तो ऐसे हम मैं आज और कुछ पढ़ाने जा रही हूँ शब्द के बारे में, लेकिन वो था शुद्ध अशुद्ध रूप। देन उसके जो शब्द के मैं पढ़ाऊंगी विलोम शब्द। आज क्या पढ़ेंगे हम, आज शब्द के विलोम शब्द पढ़ेंगे, चैप्टर 2 शब्द के विलोम शब्द। तो हम पहले देखेंगे विलोम शब्द किसको कहते हैं, विलोम शब्द। तो विलोम शब्द का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड 1 में वो पढ़े थे विलोम शब्द किसको कहते हैं। विलोम शब्द का अर्थ है उसको, उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द। जैसे कि मैं बोलूंगी ये वाला ट्री क्या है, कि ये वाला ट्री देखो, ये वाला ट्री बहुत क्या है, बड़ा है, लेकिन ये वाला ट्री क्या है कि छोटा है, उसके ऑपोजिट है, मतलब उसके ये उल्टा होगा। तो ये जैसे कि बड़ा देन ये वाला छोटा, तो ये होगा उसके उल्टे, मतलब ये वाला ट्री क्या होगा कि बड़ा हो रहा है और ये वाला पेड़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो ऐसे हम विलोम शब्द का मतलब समझ गए कि विलोम शब्द का मतलब है उसके उल्टे अर्थ वाला शब्द को हम क्या कह सकते हैं, विलोम शब्द कह सकते हैं। जैसे कि उल्टे अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाले शब्द को हम विलोम शब्द कह सकते हैं। विलोम शब्द कहते हैं। पता चल गया विलोम शब्द का मतलब क्या है, जैसे कि उसके उल्टे अर्थ वाला होना चाहिए। मैं जैसे पर एग्जांपल ऐसे दी थी कि ये वाला पेड़ क्या है कि बड़ा है, ये वाला पेड़ छोटा है। देन और भी कुछ एग्जांपल मैं देती हूँ विलोम शब्द के बारे में, और भी उसके उल्टे वाला कैसे, और कौन सा वाला शब्द उसके उल्टे हो सकती है, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं कि उसमें से है। देखो और कुछ देती हूँ, जैसे कि अच्छा, हम कैसे बोलते हैं कि एक एक पर्सन क्या होते हैं, एक एक लोग क्या होते हैं, अच्छा होते हैं। हम जिसको देखते हैं कि ये पर्सन हाँ हमें अच्छा लगा, थोड़ा सा अच्छा से बातें करे, देन हमें ये पता चलता है कि ये वाला पर्सन जरूर अच्छा होगा। देन जिससे हमें बुरा लगता है, थोड़ा सा ये बातें अच्छा से नहीं करता है, कि ये वाला उसके हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं। तो अच्छा क्या क्या होगा, उसके विलोम शब्द होगा बुरा। अच्छा का क्या होगा, बुरा हो गया। देन नेक्स्ट वन हम आएंगे रात। रात का तो कोई भी बता सकता है, रात का जरूर क्या होगा, जरूर दिन होगा। रात का विलोम शब्द क्या होगा, दिन। देन खत्म हो गया। देन मैं और भी कुछ एग्जांपल, जैसे कि शत्रु का मित्र होगा, देन जन्म का मरण, सत्य का मिथ्या हो सकती है, देन असत्य भी हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो आप सोच के है, मैं कुछ होमवर्क दूंगी उसमें, देन आप सोच के वो लिख लेना। देन हो गया, खत्म हो गया देन विलोम शब्द के बारे में। नेक्स्ट आर हम आएंगे और भी एक शब्द है जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है हम पढ़ेंगे, वो शब्द में पर्यायवाची भी जाएगा। शुद्ध अशुद्ध पढ़ लिए, देन विलोम शब्द पढ़ लिए, देन अभी आएंगे पर्यायवाची के बारे में। देन पर्यायवाची शब्द हम किसको कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है कि पर्यायवाची का शब्द है जिसमें क्या है कि सेम सेम मीनिंग होगा। मतलब मैं जैसे बोलूंगी मैं फूल को, मतलब जैसे कि सबके नाम होता है, एक घर के नाम होता है, एक स्कूल के नाम होता है, उसको जैसे कि मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल साई, साई बोलेंगे तो हम क्या देंगे कि साई समझेंगे, देन उसके स्कूल नाम है साई स्वरूप, तो साई को ही समझेंगे क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे नेम है, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। तो ऐसे भी फूल में एग्जाम्पल देती हूँ, फूल, फूल का और भी कितने सारे नाम है, तो उसके पर्यायवाची शब्द क्या होगा। फूल का पर्यायवाची शब्द होगा सुमन, मतलब सुमन बोलेंगे तो हम फूल को ही समझेंगे, देन कुसुम बोलेंगे तो भी फूल को समझेंगे क्योंकि फूल को और भी हम इसको भी कह सकते हैं, सुमन कह सकते हैं, कुसुम कह सकते हैं,
उसको पुष्प भी कह सकते हैं, उसको पुष्प भी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे जाएगा किसमें, ये सारे के सारे जाएगा फूल का पर्यायवाची, मतलब सेम मीनिंग होना चाहिए। ऐसे सूर्य का, सूर्य का हम देखेंगे, सूर्य का होगा पर्यायवाची, क्या क्या होगा जानते हो आप? सूर्य को और भी हम क्या कहते हैं कि सूरज कहते हैं, सूर्य को और भी क्या कहते हैं, सूरज कहते हैं। देन और भी रवि, देन और एक दिनकर, हम सूरज को ऐसे नाम से भी बोल सकते हैं, है कि नहीं? तो हो गया पर्यायवाची संपदा का मतलब समझ में आ गया। देन हम नेक्स्ट आएंगे किसके बारे में, हो गया पर्यायवाची गया, विलोम शब्द गया, देन ये सारे के सारे शब्द को जानना है बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें नहीं जाने तो व्याकरण अच्छा नहीं होगा कि हमारे रॉन्ग भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि वन वर्ड में हम लिखते हैं, वन वर्ड जानते हो वन वर्ड में लिखना, तो जैसे कि मैं बोलूंगी जो बालक पढ़ता है उसको क्या कह सकते हैं हम, वन वर्ड में वो क्या होगा, विद्यार्थी होगा वो। तो ऐसे में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देती हूँ कि जिसको हम बहुत सारे वर्ड लेकिन हम उसको वन वर्ड में लिख सकते हैं, एक शब्द में हम लिख सकते हैं अनेक शब्दों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि उसको हम क्या कहते हैं वन वर्ड में लिखना, क्या उसको कहते हैं वन वर्ड। तो ऐसे मैं जैसे एग्जाम्पल दिए कि जो बालक, जो बालक पढ़ता है हम उससे क्या कहते हैं, उसको वन वर्ड में हम कह सकते हैं विद्यार्थी, हम उसको वन वर्ड में क्या कह सकते हैं, विद्यार्थी कह सकते हैं। तो हो गया वन वर्ड, मतलब जो बालक पढ़ सकता है उसको हम विद्यार्थी कह सकते हैं। तो ऐसे भी फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति कविता लिखता है हम उसको क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। देन जो व्यक्ति चित्र बनाता है उसको क्या कहते हैं, चित्रकार कहते हैं। देन ऐसे भी दिन में एक बार जो होने वाला को क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल से जो गाना गाता है वो ऐसे क्या कहते हैं कि उसको, जो गाना गाता है, जो गाना गा सकता है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में सिंगर बोलते हैं कि नहीं, ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, गायक कहते हैं। तो उसके वन वर्ड बन गया सारे के सारे, मतलब ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स को वन वर्ड में लिख सकते हैं, शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं। तो मैं कुछ होमवर्क देती हूँ, देन आप उसको लिख लेना। तो हो गया, मैं कुछ होमवर्क देती हूँ। तो हम देख लिए, मैं पढ़ा दी क्या है कि विलोम शब्द के बारे में एक शब्द में लिखने के लिए, देन पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए। तो ये है उसके क्या लिखना है कि पर्यायवाची शब्द लिखना है, ये वाला जो 6 नंबर वाला क्या है कि उसके लिखना है पर्यायवाची, दो दो पर्यायवाची लिखना है उसके, तो पर्यायवाची आएगा, उसके पर्यायवाची जैसे समझाए थे वो ऐसे सारे के सारे खत्म कर देना, दो दो ठो लिख देना उसके लिए। ये विलोम शब्द जैसे कि आना का जाना ऐसे लिख देना, जो जैसे जो लिखता है उसको क्या कहते हैं वन वर्ड में, वो सारे के सारे लिख देना, ये सारे के सारे होमवर्क कर लेना। तो हो गया, सारे के सारे जो समझ में आएगा वो पूछ लेना।